दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर पूरे भारत को गर्व है, जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, मुगलों के सामने झुकना नहीं, जो अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए जाना जाता है और जिसने अपने दुश्मनों को घोड़े समेत बीच में से काट दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप जी की। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबी कदकाठी वाले भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप जिस भाले का प्रयोग करते थे उसका वजन 80 किलो और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। यह बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर महाराणा प्रताप जी रणभूमि में कैसे लड़ते थे। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी और 17 बेटे 5 बेटियां थी। महाराणा प्रताप के पास एक चेतक नाम का घोड़ा था जो उनका सबसे प्रिय घोड़ा था, जो अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है जो हल्दी घाटी में ही स्थित है। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा दुश्मन था। अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम छोड़ 20 वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में गुजारे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। हल्दी घाटी लड़ाई में 80,000 मुगलों के खिलाफ मात्र 22,000 की सेना के साथ महाराणा प्रताप बड़ी बहादुरी से लड़े थे, पर अपने भाई के द्वारा दिए गए धोखे के कारण महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे। अकबर महाराणा प्रताप को कैद करना चाहता था, पर महाराणा प्रताप जी की वीरता के आगे अकबर कभी भी सफल नहीं हो पाया। 1582 में विजयदशमी के दिन दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत तलवार से बीच में से काट दिया था। महाराणा प्रताप जी को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।